अभी आप मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। तो मम्मी रोज यहाँ पे बैठ के आटा गूंथती है। मम्मी का वरना पेट पे जोर पड़ता है। और मैं छोटा सा काम कर रही हूँ बढ़िया। यहाँ पे मम्मी यहाँ पे आटा गूंथ रही है, रोटियाँ बना रही हूँ, बस खड़े होकर रोटियाँ बनानी पड़ेगी। हाँ मम्मी रोज ऐसे बैठ के आटा गूंथती है जिससे पेट पे जोर ना पड़े। पेट कैसा हो गया मेरा, अजीब सा। हाँ इवनिंग का टाइम है, ब्लॉग शुरू कर दिया और यहाँ पे बैठ के आटा बना रही थी, आटा लगा रही थी। और आटे की ना लोइयाँ यहीं पे बैठ के बना लेती हूँ जिससे कि मुझे खड़ा कम देर करना पड़े। झगड़ा हो रहा है दोनों, क्या करना है। अपना तो टाइम हो गया किचन में जाने का और रोटियां बनाते हैं। अभी मेरे को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खड़ा हो जाता पेट पे ना, तो वैसा प्रेशर आता है। तो मैं रोज ना डिनर टाइम से ही बना लेती हूँ, बहुत लेट नहीं करती। और फिर अपना आराम से रेस्ट कर लेती हूँ। और वैसे ना फिर ज़्यादा लेट कर लेती हूँ तो फिर जल्दी जल्दी होता नहीं काम। और अभी बनाऊँगी मैं, सारी प्रिपरेशन कर लिया है हस्बैंड ने, सब्जियाँ काट दी बैठे बैठे। पनीर बनाऊंगी मैं, चीज़ों को पनीर खाने का मन कर रहा है। हस्बैंड को मैं पनीर बता रखा है, डॉक्टर ने फैटी चीज़ें कम बता रखी हैं, प्रोटीन वाली बता रखी हैं। तो अभी क्या इसमें मैं जो भी चीज़ें यूज़ करूंगी ना बहुत लेस ऑयल के साथ बनाऊंगी, देखो इतना कम ऑयल है इसी में बनाऊंगी मैं। और रेड चिली के बदले ग्रीन चिली का यूज़ करेंगे हम लोग। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या क्या सब्जियाँ ली हैं। शिमला मिर्च बता दी डॉक्टर ने, सब्जियाँ मेरे हस्बैंड को सारी बता दी, जाले भी सारी बता रखी है। डॉक्टर ने कहा प्रॉपर डाइट लो आप, बस ऑयली तला भुना खाना नहीं खाना, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना, ठीक है। दही फ्रेश दही तो पहले से ही बता रखी थी, तो इस तरह से चल रहा है। तो चलिए अभी मैं इधर क्या कैमरा सेट करूँ, अब तक रेसिपी खाना पक चुका है, ऐसा खाना कौन खाएगा, बना के तो खाए नहीं। तो चलिए दोस्तों आपके साथ में रेसिपी शेयर करती हूँ, बहुत कम ऑयल में बनती है। वैसे मैं हमेशा कम ऑयल में बनाती हूँ, आपने शुरू से देखा ही है। तो दो चम्मच छोटे वाले मैंने ऑयल ले लिया है, मसालेदानी निकाल लिया। पनीर की सब्जी बनाऊंगी, बहुत इजी है, जल्दी कुक हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा जीरा डाल दिया है तेल में, सरसों का तेल का यूज़ किया है। सरसों का तेल जब भी यूज़ करो ना थोड़ा सा पका लो। उसके बाद प्याज डाल लिया जब जीरा तड़क गया, और प्याज भी एक ही लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा सब्जी मेरे को बनानी नहीं है। तो प्याज मैंने लंबे लंबे पतले पतले काट लिए ऐसे, देखो है ना। तो इसकी एक एक कली बिल्कुल अलग अलग हो गई है, इसको फ्राई कर लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है मेरे को, हाँ बिल्कुल थोड़ा भून लेना है, ठीक है, जिससे कच्चापन निकल जाए इसका। इसके साथ में मैंने थोड़ा हींग भी डाल दिया, हींग मैं हर एक सब्जी में डालती हूँ, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। आप देख ही सकते हो ऑयल बहुत कम है। और जिन लोगों का ये मिथ है कि सब्जी नहीं बनती स्टील की कढ़ाई में, मैं बनाती हूँ। देखो बनाने की ट्रिक होती है, जलाने वाले जला भी लेते हैं और बनाने वाले बना लेते हैं, लेकिन हेल्दी कुकिंग होती है स्टील की कढ़ाई में। लेकिन मेरे घर में पिछले दिनों ये होती है ना, कौन सी कढ़ाई होती है ये, एल्युमिनियम की बहुत यूज़ हुई, क्योंकि देखो जिसको जिसमें कुकिंग करने की आदत होती है वो वैसे करता है, मैं ज़्यादा रोकती नहीं। एक बल्कि एक ऐसी कढ़ाई भी थी जो डिस्कार्ड कर दी गई थी, वो मेरे घर वालों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही थी, वो उसी में सब्जियाँ बना रहे थे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, मना भी किया। लेकिन मैं स्टील यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया था कि आपके हस्बैंड के हेल्थ के लिए ना आप स्टील यूज़ किया करो, ये मत किया करो एल्युमिनियम, है ना। लेकिन अब वो काम खुद कर सकते हैं, दूसरों को कभी नहीं समझा सकते। और टमाटो मैंने डाल लिया, उसके बाद में टमाटर के बीज बिल्कुल निकाल लिए, टमाटर के बीज नुकसान करते हैं। आप लोग भी अगर टमाटर यूज़ करते हो ना दोस्तों तो बीज निकाल दिया करो, बीज हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। और उसके बाद में मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी है, देखो शिमला मिर्च वगैरह ये सब मेरे हस्बैंड ने चॉप करके दिया है। तो मैं इतना आटा लगा रही थी, उन्होंने सब्जियां चॉप कर दी, तो इस तरह से हेल्प हो जाती है ना, काम थोड़ा इजी हो जाता है। एक हरी मिर्च मैंने लंबी सी करके कट कर दी, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी किसी को खाना नहीं है। ऑयल बिल्कुल नहीं है मेरी कढ़ाई में, आप देख सकते हो। और मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल लिया, इसको भी अच्छे से भून लूँगी जिससे कच्चापन निकल जाए। नमक डाल लूँगी, धनिया पाउडर डालूँगी, अगर आपके पास ब्लैक पेपर पिसा हुआ रखा है तो आप ब्लैक पेपर का यूज़ भी करो। रेड चिली पाउडर आप डालना चाहते हो आप डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला। गरम मसाला या किचन किंग किसी भी को भी डाल सकते हो जो आपको पसंद हो, ठीक है। बट मैं बहुत लेस मसालों के साथ में बनाऊँगी, है ना। और ये पनीर मैंने क्यूब्स में कट करके रख लिया था, और इसको भी मिक्स कर दूँगी। इसको ढक के मैं थोड़ी देर पकाऊँगी, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, धनिया पाउडर भी डाल दिया, मिक्स कर दिया अच्छे से, ठीक है। अब इसको ढक के पकाऊँगी। अब देखिए इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है, कुछ भी स्पाइसी नहीं है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई नहीं खा सकता, सब इसको खा सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें दही डाला, अगर ये दही ना होता मतलब मैं थोड़ा फैटी खा सकती, हस्बैंड खा सकते, तो मैं इसमें थोड़ा सा क्रीम मिला देती, फ्रेश क्रीम यानी मलाई। बट मैंने सुनी है तो बहुत ज्यादा।
दोस्तों मैं किचन में आ गई हूँ, रोटियाँ बनाऊंगी। और मैंने आपको बताया था पेड़े बाहर बैठ के बना लिए थे, गोले जो होते हैं ना रोटी बनाने के लिए लोहियाँ, तो देखो कितना इजी हो जाएगा मेरे लिए। अब बस खड़े होकर बेलना है, रोटी सेकना है, तो इस तरह से कर रही हूँ मैं अपना घर मैनेज आजकल। तो मुझे काम भी सारा करना है, बॉडी पे प्रेशर भी नहीं डालना, अपना ध्यान भी रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है, मैं खुद बीमार हूँ अपना भी ध्यान रखना है, अपने बीमार पति का भी ध्यान रखना है। तो देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी ना एक लेडी की कभी खत्म नहीं होती, बच्चों को पढ़ाना है इसके बाद मुझे, तो मैं लेट जाती हूँ, उनको वर्क देती हूँ, ये करते रहते हैं, तो इस तरह से हो जाती है हेल्प। इतना सैलेड वगैरह हस्बैंड कर लेते हैं कट, अटक गई थी मैं, और रोटियां सेक लूंगी जल्दी जल्दी से। अभी सब्जी बन गई एक साइड में, थोड़ा सा इसको चला दूंगी जिससे नीचे लगे ना। तो इस तरह से अगर आप लेस ऑयल में हेल्दी सब्जी खाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनी थी, मेरे बच्चों ने बहुत शौक से खाई, हस्बैंड ने भी बहुत, क्योंकि डिनर वगैरह बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद किचन गंदी अच्छी नहीं लगती है ना। और फैन चला पड़ा, देखो बच्चे बैठे हैं बाहर, और बेडरूम की हालत ठीक करनी पड़ेगी, बेडशीट कहीं जा रही है, ये थोड़ी सी बेडशीट सही करवाओगी, थक जाती हूँ जल्दी, बैठ जाती हूँ थोड़ी। तो देखो करने के लिए तो बहुत कुछ हो जाता है, वैसे मैं काम करने की स्पीड मेरी अच्छी है, मुझे काम करना पसंद भी है अपने घर का, लेकिन पसीने में हो गया इतनी देर में, गर्मी हो रही है, पर तो मुझे लगता है जब आप वीक हो जाते हैं ना तो पसीना ज़्यादा आता है ना, और बैक में पेन होता है, पता नहीं कि बैक पेन कहाँ से आ गया। और मैं कल किचन में खड़ी खड़ी सोची थी कि कहीं मैं बूढ़े होने के टाइम तक मुझे बैक पेन रहने ना लगे, क्योंकि मैंने बहुत लेडीज़ को देखा है, किसके घुटने में दर्द, किसके पैर में दर्द, किसी में दर्द, थोड़ा टेंशन हो जाती है मुझे, है ना, कि पेन मुश्किल कर देते हैं। मेरे पहले एड़ियों में पेन रहता था, वो तो अब नहीं हो रहा थैंक गॉड। और मैं सोचूँ मैं लाइट ही खाऊंगी कुछ, क्योंकि मुझे डर लगता है रात में ना पनीर वनीर खाने में कि कभी मुझे पेन ना हो जाए ये जो है। वैसे मैंने पनीर खाया ही नहीं उसके बाद कभी भी, मेरे जो डॉक्टर हैं होम्योपैथी की, जिन्होंने मुझे मेडिसिन दे रखी है, उन्होंने मुझे चीज़ पनीर बटर बटर सब खाने से मना किया था, तो मैं नहीं खा रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ अपने लिए कुछ सूजी खीर वगैरह कुछ बना लूँ, जैसे भी करूँगी, भूख भी नहीं है अभी, 7:30 हो रहे हैं, तो देखती हूँ जो भी करूँगी कर दूँगी, क्योंकि ना खाने से इतना टेस्ट नहीं आता जितना कि दर्द से मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं खाना बनाते बनाते यही सोची थी, मेरा ध्यान गया। और बताऊँ दोस्तों, अभी पनीर की सब्ज़ी फ्राई कर रही थी तो मुझे कुछ पुरानी बात याद आ गई। कुछ बातें ना इंसान के दिल को ऐसा ठेस लगा देती हैं कि वो चीज़ सामने आते ही या कुछ करते ही ना आपको बहुत फील होता है। देखो मैं इतनी प्रॉब्लम में, इतनी टेंशन में हूँ, लेकिन इतनी टेंशन में भी ना कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत चिढ़ते हैं, कुड़ते हैं, पता नहीं क्यों यार। देखो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी दिक्कत को मैं 5 साल से फेस कर रही हूँ। आधे लोगों की पता प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपनी खुशी से इतना खुश नहीं होते, दूसरों को देख के कि ये ठीक कैसे रह रहा है, इतनी दिक्कत में भी हंस कैसे रहा है, उसी से बहुत प्रॉब्लम होती है। आप इस बात से एग्री करोगे, आपकी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, और वो लोग पता है सामने से वार नहीं करते, वो पीछे से वार करते हैं। वो बातें ऐसा नहीं कि आपको सुनने को नहीं मिलती, आपको कुछ अपनों के मुंह से ही सुनने को मिल जाती है, और पीड़ा तब होती है जब वही बातें आपके अपने खुद ठेस लगाते हुए बोलते हैं। जब मैं पनीर बना रही थी, देखो बच्चों की डिमांड थी कि पनीर खाना है, तो बच्चों की तो मैं मर्जी बिल्कुल वो कर नहीं सकती, आपके साथ शेयर करती रहती हूँ क्या बना रही हूँ क्या नहीं। और ज़्यादातर मूंग की दाल, तोरी, लौकी और ये सब बनता है घर में, है ना, बच्चों के लिए। हाँ मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रेसिपीज़ बनती रहती हैं घर पे, आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि बच्चे इस पे चीज़ पे नहीं रह सकते खाने पीने में। मेरे बच्चों ने पहले इतना सफ़र किया है, मैं अपने बच्चों का बचपन उनसे बिल्कुल छीन नहीं सकती। तो मुझे याद आया कि जब मेरे हस्बैंड की ट्रांसप्लांट होने वाली थी, तो उससे पहले ना मुझे डायरेक्टली तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन मुँह से सुना ही निकाला आप लोग के कुछ कि तुम तो पनीर के पकौड़े बनाती हो, ये बनाती हो, तुम्हारा वैसे तो पति बीमार है, ये करती हो वो करती हो। तो उन लोगों को यार थोड़ा शेम करो जिसने भी बोला, उन्होंने तो समझ ही गए होंगे जिसने भी बोला, मुझे भी डायरेक्टली तो देखो बिल्कुल एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन वो लोग भी देख ही रहे होंगे, क्योंकि जब उन्होंने वो वाली वीडियो पनीर के पकौड़े बनते हुए देखा, तो आज पनीर की सब्ज़ी भी बनते हुए देखा। तो मैंने लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस भी किया इसके लिए, मैंने किसी से जाके ये नहीं कहा, इतना दर्द भी सहा अपने हस्बैंड के लिए, और मेरे हस्बैंड और मैं अलग अलग नहीं है तभी सा, और मेरी जगह शायद उनकी जगह शायद मैं होती तो शायद वो भी मेरे लिए करते। देखो मुझे किसी का नहीं पता किसी का पति करता है नहीं करता, लेकिन मेरे हस्बैंड की और मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और कुछ लोगों को इस बात से ही प्रॉब्लम रहती है कि मतलब ये लोग इतने प्यार से क्यों रहते हैं, तो यार हम दोनों ने अच्छा खाना खाया है, साथ में पिक्चर देखी है, साथ में बहुत कुछ किया है, तो हम दोनों साथ में बैठ के रोए भी हैं, जब हम दुखी हुए हैं तो हम दोनों ही हैं वो,
जो हम साथ में बैठ के रोए हैं, पूरे परिवार को बताया नहीं कि हम परेशान हैं, ठीक है, किसी को एहसास भी नहीं होने दिया। लेकिन उसके बाद में जब ये बातें सुनी, देखो एक वाइफ का दर्द कितना बड़ा होता है, उसका हस्बैंड बीमार हो, दूसरा देखो किडनी ट्रांसप्लांट मेरे हस्बैंड का हो गया, मैं चाहती हूँ उनको एक बेटर लाइफ मिले, लेकिन हमेशा मतलब मैं एक फ्री लाइफ नहीं जी सकती, मेरे अंदर एक डर जो है ना वो हमेशा रहता है, एक डर रहता है कि उनकी तबीयत अप डाउन ना हो जाए। जब मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ 15 डेज बाद उनके टेस्ट होते हैं, तो मेरे अंदर वो डर रहता है। अगर एक वाइफ हो आप तो इस बात को आप समझ सकोगे। और आज से 5 साल पहले शायद जिंदगी मेरी ऐसी नहीं थी, मैं फ्री जीती थी, लेकिन आप मेरी जिंदगी में ना वो फ्री वाली फीलिंग वो नहीं है। मैं बहुत चीज़ों को सोचने लगी हूँ कि ये होगा तो कैसे होगा, घर में ये होगा तो कैसे होगा। तो आप समझ सकते हो कि इंसान जब फ्रीली जीता है ना चीज़ों को, तो अंदर से कितना खुश रहता है। तो मैं खुश रहती हूँ, मैं हंसती हूँ इसलिए क्योंकि मैं जिंदगी से दुख को दूर निकाल के फेंक देना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं मेरे साथ में, कोशिश करती हूँ। और देखो हिम्मत से खड़े रहने का नाम ही जिंदगी है। आपने देखा होगा कीचड़ में कमल उगता है और कांटों वाले पेड़ पे ही फूल उगता है ना, गुलाब का, जिसको सब प्यार करते हैं। तो जहाँ पे मेरे को इतने बैड कमेंट्स मिले, इतने बुरे सोच वाले लोग मिले, वहीं पे मुझे आप जैसे प्यारे दोस्त भी मिले जिन्होंने मेरे दर्द को समझा। देखो आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट आते हैं शिप्रा में ध्यान रखो, सीढ़ी मत चढ़ना, हैवी काम मत करना, ये मत करना। तो मुझे बहुत अच्छा, जैसे मदर कहती है ना अपने बच्चों को कि ये मत करो, और कुछ बहुत बड़े भी हैं मेरे से, आपका नाम लूंगी मैं, श्याम कृष्णा जी, आप है ना, कभी कभी आप बहुत प्यारा कमेंट करते हो, सीमा वर्मा जी, उषा रानी जी, और ये वाले नाम तो मेरे ब्लॉग्स में यार कितनी बार आप लोगों ने, मीतूज लाइफ ऑफ मलेशिया, बहुत सारे हैं। देखो किसी का नाम छूट गया, मतलब यहाँ पे मैं किसी का पब्लिसिटी करने के लिए नाम नहीं ले रही हूँ या कुछ करने के लिए, वो मेरे फीलिंग्स अंदर से आ रही हैं, इसलिए कह रही हूँ। तो प्लीज, तो वो ना बाहर चल जाओ, वो वाली बातें होती है ना, कुछ ना होते हुए भी आप अपने बहुत कुछ हो जाते हो। के लिए मैंने लिपस्टिक का कलर बताया था, यार पूजा जी आप हिसार से हो तो आप भी, यार आपसे भी बहुत प्यार मिलता है, आप बीमार भी थी पिछले दिनों, कैसे हो बताना। तो मैं वही कह रही हूँ, देखो आपका मेरा ऐसा कोई खून का रिश्ता नहीं, रिलेशन का रिश्ता नहीं, मैं आपको मिली नहीं, फिर भी आप मेरे को इतना प्यार करते हो। कुछ लोग जो मेरे को जानते हैं, मेरे रिलेटिव हैं कि पड़ोसी हैं कि पता नहीं क्या है, वो इंसान भी है या नहीं, आई डोंट नो, कि एक इतनी दिक्कत में एक लेडी दर्द झेल रही है, अपने हस्बैंड को अपने शरीर का एक अंग भी दे रही है, उसके लिए वो जान लगा के खड़ी है, फिर भी हंस रही है, और फिर भी वो लोग उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं। तो जहाँ तक कमियों की बात है, कमी निकालने वाले तो ज़िंदगी में हमेशा कमी निकालते रहेंगे, लेकिन हम जैसे जिंदा दिल लोग हमेशा हंसते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। और हाँ पता है मेरे को ना, एक बार मैं कोई बुक पढ़ रही थी, तो मैंने उसमें एक पढ़ा था कि जब आपसे लोग जलने लगे ना और आपकी कमियां ज़्यादा ढूंढने लगे, तो इसका मतलब आप प्रोग्रेस पे हो और आपके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल है कि जो लोग आपको देख के चिढ़ते हैं। और हाँ देखो, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, अपने हस्बैंड से, बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप से भी बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, मैं अपने आप से बहुत प्यार करने वाले इंसानों में से हूँ, मुझे अपनी केयर भी बहुत रहती है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि मैं उनको नेग्लेक्ट करके अपनी केयर करती हूँ, मैं उनके साथ साथ अपनी भी केयर करती हूँ, मुझे अपने लुक्स पे, अपनी हर चीज़ पे बहुत प्यार रहता है। हाँ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, फिर भी मैं ऐसी दिख रही हूँ यार, 5 साल से मैं दुखों को झेल रही हूँ। आज मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया, मैंने कल लिपस्टिक शो कर ही लगाई भी, तो वो मेरे को दिख रहे थे, वो भी बहुत प्यारा कमेंट था, निगेटिव नहीं था, उन्होंने प्यार से मेरे को बोला कि ये वाला कलर आप पे शूट नहीं करता। तो देखो जहाँ तक कलर की शूट करने की बात है, मुझे ऐसा लगता है आजकल मेरे फेस पे ना कुछ भी शूट नहीं करता यार, मेरा फेस बहुत ख़राब हो गया है, ये चीज़ मेरी बिल्कुल ऐसे पटक गई है जैसे हुए आपकी तरह, और मेरी आईज़ भी अजीब सी हो गई हैं। लेकिन देखो टाइम लगता है ना, इतनी बड़ी सर्जरी हुई मेरी और हस्बैंड की, उसके बाद में मैंने इतनी प्रॉब्लम फेस की, पेट वगैरह। तो जब आपका फेस ग्लोइंग होता है, आप हेल्दी होते हो ना यार, आप कुछ भी लगा लो, आप कुछ ना लगाओ तब भी आप ब्यूटीफुल दिखते हो, एग्री करोगे ना। और मुझे भगवान ने अच्छा बनाया, मुझे अपने आप को मैं पसंद करती हूँ, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहती कि भगवान ने मुझे ऐसा नहीं बनाया, वैसा नहीं बनाया, कैसा नहीं बनाया, भगवान ने मुझे जैसा बनाया, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, परिवार को बहुत प्यार करती हूँ। तो ये जो मैंने बातें आज आपसे अंदर की दिल की बोली ना दोस्तों, तो इससे ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, कुछ लोगों को कुछ अजीब भी लगेंगी, लेकिन आपको अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो, ठीक है, और दूसरों का क्या यार, दूसरे तो जलते बुलते रहते हैं, जो आपके सच में अपने होते हैं ना वो आपका दर्द समझते हैं, आपके पास ना होते हुए। और हाँ मेरी मम्मी आएंगी 2 दिन बाद, संडे आएंगी आई थिंक, मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई आने के लिए, वो पहले ही राजेश के साथ आएँ, तो हमारे दुकान पर जो हमारा भैया है ना वो काम करते हैं बचपन से,
देखो सर्वेंट तो नहीं कहूंगी, हमारी फैमिली का एक हिस्सा ही मान लो, क्योंकि मेरे घर में वो काम करते हैं बहुत टाइम से, लेकिन हमने उनको सर्वेंट की तरह नहीं, भाई की तरह माना है हमेशा। तो मम्मी उसके साथ में आएंगी, क्योंकि मेरा भाई भी अभी बार बार आ गया, उसको इतना टाइम नहीं है, नहीं नहीं उसकी जॉब है। तो जब आएंगी मम्मी से मिलवाऊंगी आपको, सक्षम ही आया, सक्षम बाय करें, हम बाय बाय। आप सक्षम खाना खाएगा, मम्मी खाना खिलाएगी सक्षम खाना, ठीक है? अच्छा फेस बनाया करो, गंदा फेस नहीं बनाया, कट कर देना, कट नहीं, फिर भी आप अच्छा फेस बनाया, कट कर देना। चलो बहुत सारा प्यार सबको दोस्तों, कट कर देना, ओके।